नाम आदित्य पांडे है। आज आप लोगों के लिए मैं एक इंटरेस्टिंग चैप्टर लेके आया हूँ जिसका नाम है फाइल सिस्टम हायरार्की। इसको समझाने के लिए मैंने कम से कम आधा घंटा लगाया, इसको बनाया खुद से, ताकि मैं हर एक चीज़ बाय स्टेप आप लोगों को समझा सकूँ और ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए और आपको कभी भी प्रॉब्लम ना हो फाइल सिस्टम से रिलेटेड। तो इसलिए मैंने ये बनाया। आप इसको आप चाहो तो अपने नोट्स में भी बना सकते हो, आप जैसे मैं बनाया हूँ आप इस तरीके से बनाना चाहो तो बना सकते हो, डिफरेंट तरीके से बनाना चाहो तो आप उस तरीके से भी बना सकते हो। ओके, तो मैं अभी स्टार्ट करता हूँ फाइल सिस्टम पे, सिस्टम के लिए। तो मैं अपना टर्मिनल अभी ओपन किया और थोड़ा इसको बड़ा कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छा दिखे और सारी चीज़ें आसानी से आप लोगों को दिख जाए। ताकि अभी मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, कुछ ज़्यादा बड़ा हो गया ये। अभी आप लोगों को अच्छे से दिख रहा होगा। तो ये जो फाइल सिस्टम होता है हमारा, ये एक ऐसा सिस्टम है जिसका वर्क होता है फाइल्स को एक वे में रखना। लाइक कोई भी है, जैसे कि हम घर में सामान रखते हैं, किचन है तो ग्लास का एक अलग होता है और थाली का अलग होता है। तो इस तरीके से हम हर एक चीज़, जैसे कपड़े हैं उसको, उसका एक वे होता है रखने का हमारा, ठीक है। तो इस तरीके से फाइल्स को रखने का हमारा वे होता है, ठीक है। अगर मैं दूसरी भाषा में आपको बताऊँ तो ये फाइल्स को मैनेज करने के लिए फाइल सिस्टम होता है, सारी फाइलों को मैनेज करने के लिए, ठीक। तो अब मैं आपको बताता हूँ जो बिन होता है हमारा। इस डायरेक्टरी में लिनक्स के जो प्रोग्राम होते हैं वो बाइनरी कलेक्शन में होता है, ठीक। लाइक जब हम कोई पैकेजेस इंस्टॉल कराते हैं अपने सिस्टम में, ठीक है, तो वो बाइनरी फॉर्मेट में होके इसमें आता है। और इसमें एक अच्छी बात है, मैं आपको बताता हूँ कि जो जितने भी कमांड्स होते हैं हमारे लिनक्स में वो सारे होते हैं बट बाइनरी फाइल में। फॉर एग्जांपल मैं आपको शो कराता हूँ, लाइक मैं अभी गया बिन डायरेक्टरी में, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप देख सकते हो सारे जितने भी कमांड है वो बाइनरी फॉर्मेट में है। लाइक नॉर्मल सा एक शॉर्ट नॉर्मल कमांड मैं एग्जांपल में लेता हूँ, तो mkdir कमांड तो आप लोगों ने चलाया ही होगा, ठीक है। mkdir दिखे ये है बट ये बाइनरी फॉर्मेट में है। वैसे ही सारे कमांड्स हैं, लाइक टच, ठीक है, टच कमांड और cd कमांड भी है आपका। तो सारे जो कमांड्स हैं वो हैं इसमें बट वो बाइनरी फॉर्मेट में है, ठीक है। और जो हमारा नेक्स्ट होता है sbin क्या करता है, इस डायरेक्टरी में लिनक्स से रिलेटेड सभी कमांड्स बाइनरी कलेक्शन में होता है और लिनक्स सिस्टम की ऑल ओवर बाइनरी इस डायरेक्टरी में होता है। इसके लिए फ्रेंड्स इसका नाम sbin जाना जाता है इस वजह से ही, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखाना चाहूँगा, आप देखो ये है सारा, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट हमारा आता है बूट, ठीक है। ये क्या है कि इस डायरेक्टरी में सिस्टम रिलेटेड बूट इंफॉर्मेशन होता है। जो लिनक्स स्टार्ट होता है टाइम होता है और टाइम पर कर्नल में लोड होता है, लाइक ओएस की इंफॉर्मेशन और बहुत सारी चीज़ें, ओके। और फिर मैं आपको बताता हूँ नेक्स्ट स्लैश देव, ये हमारा देव है, ओके। इसमें क्या होता है, लिनक्स जब हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम जो हार्डवेयर होता है, हार्डवेयर से हमारा कनेक्ट होता है, जितना भी इंफॉर्मेशन होता है, ठीक है, लाइक रेड वीजी एलवी इन सब के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा फाइल सिस्टम मैनेजमेंट में, कि रेड क्या होता है और वॉल्यूम ग्रुप क्या होता है, लॉजिकल वॉल्यूम लॉजिकल ग्रुप क्या होता है, ओके, फिजिकल ग्रुप क्या होता है, पूरा फाइल सिस्टम में, सॉरी जब मैं स्टोरेज मैनेजमेंट का चैप्टर आपको बताऊंगा तो उसमें मैं ये सारा चीज़ आपको बताऊंगा।
नेक्स्ट हमारा आता है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वो हमारा स्लैश ई टी सी। अगर आप लोग अभी नॉर्मल हो या स्टार्ट कर रहे हो तो आप लोगों ने तो नाम तो सुना ही होगा स्लैश ई टी सी का, लाइक स्लैश ई टी सी। मैं अभी गया स्लैश ई टी सी में, एलएल किया। थोड़ा सा और छोटा कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को दिखे इतना, ठीक है? ठीक है, स्लैश ई टी सी में क्या होता है, हमारा सारा फाइल होता है जो कि कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है। लाइक जो भी हमें कभी कभी क्या होता है कि हमें अपने अकॉर्डिंगली मॉडिफाइड करना होता है फाइल्स को, ठीक है, तो हम इसमें आके मॉडिफाई करते हैं स्लैश ई टी सी में, ठीक है। और जितने भी जैसे कभी कभी हम कोई पैकेज इंस्टॉल कराते हैं, लाइक अभी मैं कोई एक रेडमाइन का पैकेज इंस्टॉल कराऊंगा तो मुझे बहुत सारा चीज़ कॉन्फ़िगर करना होगा उसके लिए, तो फिर मैं इसमें आऊँगा कॉन्फ़िगर करूँगा, ठीक। नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारा स्लैश होम। होम क्या होता है, जब हम कोई यूज़र क्रिएट करते हैं, लाइक अभी एक मैं जब इंस्टॉल कर रहा था अपना ओएस तो आपके सामने एक यूज़र क्रिएट किया था जिसका नाम आदित्य था, ठीक है। तो ये क्या होता है कि ये यूज़र की होम डायरेक्टरी होती है। लाइक अभी मैं एक और यूज़र क्रिएट करता हूँ, यूज़र एट रेड हैट, ठीक है। मैंने एक यूज़र ऐड किया और आप देखो ये यूज़र की होम डायरेक्टरी आ गई यहाँ पे, ठीक। ऐसे जितने भी आप यूज़र ऐड कराओगे उसकी होम डायरेक्टरी यहीं पे होता है, वो कि सिस्टम के द्वारा डिफाइन होता है। इसको हम चेंज कर सकते हैं अपना होम डायरेक्टरी, स्लैश etc pathwd में आप जाओगे, ठीक है। यहाँ पे जो होम डायरेक्टरी है यहाँ पे है, उसको हम चेंज कर सकते हैं, बट वी नेवर डू लाइक दैट, क्योंकि ये सिस्टम ने फिक्स कर रखा है, तो हम जब भी करते हैं तो ऑटोमेटिकली यहीं पे ही क्रिएट हो जाता है, ठीक। नेक्स्ट हमारा होता है जो रूट। रूट क्या है, ये मोस्ट है इम्पॉर्टेंट है। रूट डायरेक्टरी में जितने भी लाइक जो एडमिन होते हैं अपना वर्क करते हैं इसमें, इस डायरेक्टरी में, और सभी जो एडमिन होते हैं वो चेक करते हैं। लाइक एडमिन के पास तो सारा परमिशंस होता है कि वो कुछ भी कर सकता है, लाइक वो किसी भी डायरेक्टरी में जाके कोई भी फाइल चेक कर सकता है, ठीक। लाइक MNT ETC और भी बहुत सारे हैं, होम डेव बूट, वो सारी चीज़ें कर सकता है और लॉक्स चेक कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है MNT। MNT भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जब हम लिनक्स में माउंट कराते हैं कोई चीज़, लाइक अभी LVM या जब मैं कोई एक स्टोरेज लगाता हूँ, कनेक्ट करता हूँ, तो उसको मैं माउंट कर सकता हूँ MNT में, ठीक है। हार्डवेयर में माउंट कराने वाली चीज़ें हम यहीं से ही, जो एक्सटर्नल हार्डवेयर यूज़ करते हैं हम यहीं पे माउंट करते हैं ज़्यादातर। और भी माउंट पॉइंट है, लाइक मीडिया है, उसमें भी करते हैं हम। और नेक्स्ट है हमारा टेम्प फाइल। टेम्प फाइल क्या होता है, ये हमारा टेम्परेरी फाइल्स रखता है। जब हम इसमें कभी भी कोई भी इम्पॉर्टेंट फाइल मत रखना, क्योंकि नेक्स्ट रिबूट पे ये सारा फाइल्स हटा देता है। लाइक अभी ये सोचो आपकी कोई इम्पॉर्टेंट, आपके बॉस ने कोई डॉक्यूमेंट दिया और आप गए टेम्प में रख दिए, ठीक। और सपोज़ कि हम कभी सर्वर्स को कभी भी हम रिबूट नहीं करते हैं, बट इन द केस कि कुछ भी हैपन हुआ और आपका सिस्टम रिबूट हो गया, फिर तो वो टेम्प की सारी फाइलें हटा देगा, उसके बाद उसके साथ आपका डॉक्यूमेंट भी चला जाएगा। सो नेवर कीप एनी फाइल, इम्पोर्टेंट फाइल हियर, ओके। नेक्स्ट हमारा आता है फ्रेंड प्रोक। इसमें क्या होता है, जो भी हमारा सिस्टम से कनेक्टेड ऑल हार्डवेयर होते हैं, लाइक लॉजिकल और फिजिकल, उन सब का इंफॉर्मेशन इसमें होता है। लाइक अभी मैं करूँ कैट स्लैश प्रोक CPU, तो ये हमारा CPU से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन दे रहा है, लाइक आप देख सकते हो ये, ठीक है। ये मेरा लाइक बता रहा है कि ये i7 है, ठीक, 1.8 GHz है, जेन्युइन इंटेल है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन हमें यहाँ पे मिल जाता है। आपको कभी भी CPU के बारे में जानना हो तो आप डायरेक्टली यहीं पे आना, बिना कुछ सोचे और डायरेक्ट आप जान सकते हो। नेक्स्ट आता है हमारा वार। आप देख तो कभी भी होता है कि कोई भी चीज़ हैपन होता है या कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट होता है, तो हम क्या करते हैं, अक्सर जाते हैं लॉग फाइल में। वो लॉग फाइल कहाँ होती है, स्लैश वार में।
/var, ठीक है। हमें इसमें भी बहुत सारी चीज़ें होता है, बट ज़्यादातर लॉक्स का हमें नीड पड़ता है, इसलिए मैं आपको नॉर्मली अभी ये सब चीज़ें बता रहा हूँ। धीरे धीरे करके मैं सारी चीज़ें आपको बताऊँगा, अभी बस आपको बेसिक से एडवांस पे ले जाने की कोशिश कर रहा हूँ। बट एक बार आप जब बेसिक सीख जाओगे, फिर मैं एडवांस के लिए दूसरा ट्यूटोरियल निकालूंगा जो कि बिल्कुल ही हाई होगा। उसके बाद आपका लेवल जो होगा बहुत ज़्यादा चेंज हो जाएगा। एक्सपीरियंस के साथ आपको मैं लेवल भी आपका चेंज करूँगा नॉलेज का, ठीक है। लाइक अभी भी कोई भी है, मैं लॉक्स में गया अभी, मुझे अभी जब मैं आपको लॉक्स के बारे में पढ़ाऊँगा तो उसमें मैं लॉक्स का भी सारा चीज़ बताऊँगा। अभी उसके लिए अलग नेक्स्ट चैप्टर है, ठीक है। बट अभी नॉर्मली मैं बता रहा हूँ फाइल सिस्टम, तो बस मैं आपको इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ, ठीक। गाइस, इफ यू लाइक माय वीडियो देन डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड आल्सो शेयर विथ योर ऑल फ्रेंड्स, देन दे कैन लर्न अबाउट लिनक्स एंड ऑल टेक्नोलॉजी विच आर इन ट्रेंड।